नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आज हम लोग बात करने वाले हैं। काफ़ी सारे लोग क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रेडिंग करना स्टार्ट किए थे वो अभी भी नुकसान में है, तो 1 अप्रैल से जो टैक्स इम्प्लीमेंट होना है तो उनके लिए क्या करना चाहिए? क्या पोर्टफोलियो अपना सेल करके फिर से 1 अप्रैल के बाद से ऐड करना है या उनके लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है? तो इस वीडियो में इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि अभी जो टैक्स इम्प्लीमेंट होना है तो उसमें क्या उनके लिए करना है जो लॉस में है या जो प्रॉफिट में है, उनके लिए क्या करना है इस वीडियो में बात करें। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का सवाल था कि भाई इसका क्या जवाब हो सकता है, हम लोग क्या करें अगर हम प्रॉफिट में हैं लॉस में हैं, तो उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो जानते हैं सबके बारे में, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो लोग अभी लॉस में हैं उनको क्या कुछ करना चाहिए, तो उनके लिए अभी जैसे किसी ने 50,000 लगाया था, वो अभी आप उससे कम है, तो आप अगर बेचेंगे और मार्केट, क्योंकि 1 अप्रैल से काफ़ी वॉल्यूम आ सकता है, नॉर्मली भी आता है पूरे वर्ल्ड वाइड, जब पूरा ईयर चेंज होगा फाइनेंशियल तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। तो उस समय अगर आपने अभी जिस प्राइस पर सेल कर दिया और उस समय अगर वो उस प्राइस पर नहीं बाय करने को मिला तो ऑलरेडी नुकसान में है, एक डबल नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए जो लोग नुकसान में हैं हो सके तो इसको अवॉइड कीजिए, और जो लोग प्रॉफिट में हैं वो चाहे तो सेल कर सकते हैं, क्योंकि उनका 1 अप्रैल से पहले का जो फाइनेंशियल ईयर है, जिस जो टैक्स सिस्टम इससे पहले लग रहे थे क्रिप्टो पर, वो अप्लाई होंगे। और जो लोग मतलब नया ऐड करेंगे तो 1 अप्रैल के बाद जो 30% टैक्स है उसमें उनको एंट्री करना है, और उसके बाद ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि अभी हमको इनिशियल में कितना अमाउंट इस सिस्टम में ऐड करना है या कितना रखना है। तो जो लोग प्रॉफिट में हैं वो चाहें तो अभी 1 अप्रैल से पहले अगर आपने कर लिया, अच्छी बात है, फिर से नया ऐड कीजिए, और जो लोग अभी लॉस में हैं वो एज इट इज़ पड़ा रहने दें। अब बात करते हैं अगर आपका एक्सचेंज इंडियन है या इंटरनेशनल है। तो अगर इंडियन है और आपका पोर्टफोलियो का साइज़ कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आप इंडियन एक्सचेंज में ही पड़ा रहने दीजिए, वो भी धीरे धीरे अपने आप को अपडेट करेंगे, और जो भी टर्म एंड कंडीशन आएगी वो सबसे पहले इंडियन एक्सचेंज में आएगी। और अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों सिनेरियो में आपका डिपेंड करता है किस हिसाब से आपका ट्रेडिंग है, कितनी फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग है, कितनी ज़्यादा आप ट्रेडिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। बाकी अभी जो सीन चल रहा है वो उसमें कोई इस चीज़ का इम्पैक्ट बड़ा नहीं पड़ने वाला कि आप इंटरनेशनल एक्सचेंज में जाएंगे तो सारी चीज़ों से बच सकते हैं, इनिशियल में बच सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में सब चीज़ें वहाँ पर भी इम्पैक्ट करेंगी। तो मैं इसमें यही बताना चाह रहा था कि जो लोग लॉस में हैं वो अपना पोर्टफोलियो एज इट इज़ पड़ा रहने हैं, जो लोग प्रॉफिट में हैं वो अभी यहाँ से सेल करके दोबारा से 1 अप्रैल के बाद से ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है कई सारी कंट्रीज़ में, तो उस हिसाब से उस समय वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा आएगी, तो क्रिप्टो में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, चाहे वो कोई भी मार्केट हो, शेयर मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, सब में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और दोस्तों अभी बहुत सारी बातें आपसे करनी है, लेकिन यहाँ पर जिस शहर में हम लोग हैं, दुबई में हैं, तो यहाँ पर सिर्फ इवेंट ऐसा बैक टू बैक चल रहा है कि बहुत ज़्यादा बात हम लोग डिटेल में नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे टॉपिक है जो आपको कवर करने हैं, वो हम लोग अपने शहर में पहुंचकर वो सारी चीज़ भी कवर करेंगे, बहुत सारी बात है वो सब करेंगे। तब तक के लिए छोटी सी अपडेट थी, बहुत सारे लोग यही सवाल कर रहे थे कि सर मैं लॉस में हूँ, क्या मैं करूँ, क्या मैं विड्रॉल करूँ या नहीं करूँ, तो इस वीडियो में इसका जवाब दिया है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी अपडेट, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्कैमर से बच के रहिए, और अगर आपका कोई भी सवाल है टैक्स से रिलेटेड या इस सिस्टम से रिलेटेड तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए।